सुकृति कहाँ चला रही है अपने? आपके बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, आपके बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, आपके बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे, आपके बरस तेरी चूनर को थानी कर देंगे, आपके बरस ये दुनिया तो फानी है, बहता सा पानी है तेरे गानी कर देंगे, आपके बरस, आपके बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, आपके बरस धरती की रानी। इज्जत हमको प्यारी, मुट्ठी में किस्मत है अपनी, हमको मेहनत प्यारी, मिट्टी की कीमत का जग में कोई रतन नहीं है, जिल्लत के जीवन से बदतर कोई कफन नहीं है, देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला, बलिदानों के खून से अपना रंग लो बसंती चोला, अब के हमने जानी है सपने मन में ठानी है, हमलावरों की खत्म कहानी, खत्म कहानी कर देंगे, अब के बरस, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस। Sahenge
अरे क्या हो गए हो
अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे, अब के बरस तेरी चूनर को थानी कर देंगे, अब के बरस ये दुनिया तो फानी है, बहता सा पानी है, तेरे हवाले ये जिंदगानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमनदीप कौर ABC स्पोर्ट्स एकेडमी में। जैसे आप फिलहाल अभी ही आपने देखा कि कितनी हार्ड वर्किंग, कितनी ज़्यादा अच्छी ड्रिल यहाँ पर इस एकेडमी के बच्चों ने आपके सामने की। तो ये ड्रिल, ये हार्ड वर्क आपको दिखाता है कि यहाँ पर कितनी मेहनत, कितनी ज़्यादा जज्बे के साथ, कितनी लगन के साथ सभी बच्चे यहाँ मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले आज आपने देखा कि धूप भी हो रही है, और आपको पता है आजकल थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है, क्योंकि सुबह भी धुंध होती है और शाम को भी, इसलिए टाइम बहुत कम मिलता है मेहनत के लिए। पर जिस इंसान के अंदर पूरा जज्बा है, हिम्मत है कि उसे मेहनत करनी है, तो वो इन सब परेशानियों को कभी भी अपने रास्ते के अंदर नहीं आने देता। वो हमेशा अपने जो उसका लक्ष्य है उसके ऊपर फोकस रखता है, और हमेशा हार्डवर्क की तरफ बढ़ता रहता है। आप देख रहे हैं कि इन सभी ने अपने अपने ग्रुप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सबने कोशिश की कि वो अपना बेस्ट दे पाए, और यही आपने देखा कि हर किसी को अच्छे से चीयर अप किया और बहुत ही अच्छा काम किया। अब थोड़ा सा मैं तामिया भी बताएंगी कि इन्होंने जो हार्डवर्क किया उसके जो पीछे का राज है वो कहाँ से सीखते हैं, कैसे करते हैं। तामिया, हेलो गाइस, मैं हूँ तामिया शर्मा ABC स्पोर्ट्स एकेडमी से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा हम लोग ज़्यादातर फिटनेस पे अपना फोकस करते हैं, क्योंकि कोई भी गेम हमें चूज करनी है, कोई भी गेम के लिए हमें आगे बढ़ना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है फिटनेस, जिसके लिए एक्सरसाइजेस, ड्रिल्स, रनिंग, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डाइट, जिस पे हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं। और हमारे कोच, नेशनल कोच मिस्टर सुनील सैनी ने हमें यही बताया है कि हमेशा अपनी फिटनेस को इतना बढ़ा के रखो कि चाहे कोई भी गेम करनी हो हम लोग अच्छे से कर सकें, और अपने टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा निखार सकें। हम हमेशा आपको अलग अलग ड्रिल्स करके दिखाते हैं, जैसे कि आपने पहले भी कई बार देखा है अलग अलग न्यू एक्सरसाइजेज होती हैं। ऐसे ही आज हमने एक नई ड्रिल की है जिसमें पुशअप, सिटअप्स और ड्रिलिंग वगैरह अलग अलग चीज़ें थी, और सबने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, बॉयज़ ने भी और गर्ल्स ने भी, जिसे देख कर बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग इतना आगे जा रहे हैं और अपने टैलेंट को निखार पा रहे हैं। यही हमें अभी तान्या ने बताया कि जैसे हर बच्चा अपने लक्ष्य में सफल होना चाहता है, हर कोई, जैसे यहाँ पर कोई भी गेम है, चाहे कबड्डी है, चाहे क्रिकेट है, वो चाहते हैं कि हम सबसे ऊपर वाले लेवल पर जाएं, सबसे ऊपर जाएं और उनका नाम हो। पर ये लेवल सिर्फ ऐसे बातों से नहीं मिलते, उसके लिए मेहनत चाहिए होती है, जो इस जगह पर हर रोज़ हर टाइम पूरे दिल से करवाई जाती है, और सभी बच्चे दिल से ही करते हैं।
इसके पीछे जो खास रीज़न है बच्चों का, वो है कि उनके जो पेरेंट्स हमें पूरा सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए बच्चे एकेडमी में आते हैं। और बच्चे जो यहाँ परफॉर्म करते हैं उसे देखकर उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं, उन्हें भी नाज होता है कि हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं हमारा नाम ऊपर करने के लिए। हमारी एकेडमी में रोज़ नई नई चीज़ें तो होती हैं, बट आज एक और चीज़ स्पेशल ये हुई है कि हमारी एकेडमी में यहाँ पर नेशनल सेलेक्टर बेसबॉल एंड सॉफ्टबॉल के नेशनल सेलेक्टर आज हमारी एकेडमी में आए हैं, तो हम उन्हें बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहते हैं कि वो आज हमारी एकेडमी में आए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दो शब्द, एंड हम चाहते हैं कि वो दो शब्द हमारी एकेडमी के लिए कुछ हमें बताएं कि उन्हें यहाँ आकर कैसा अच्छा कैसा लगा, बच्चों में उन्होंने क्या देखा। Myself, Kuldeep Saini from Tatka, near about Pipli. So, मैंने यहाँ पर आज सुना था इस अकेडमी का नाम ABC Academy, बट यहाँ आकर के मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि इतने हार्ड वर्कर भी है। देखो आपको छोटे छोटे बच्चे इतना हार्ड वर्क अभी दिल की इन्होंने, और इन्होंने जो मेहनत की है, आई थिंक दैट Everything is possible if you are hard worker. जितना hard work आप करेंगे उतना ही आपको चुनौतियाँ मिलेंगी, और उन चुनौतियों को पार करने का सिर्फ एक ही रिश्ता है कि वो आपका hard work। आप जितने भी, जैसे कि आप क्रिकेट के हैं, कबड्डी के हैं, मिस तानिया ने बताया, मिस अमनदीप कौर ने बताया कि जितने भी हम आगे बढ़ेंगे वो कौन लेके जाएगा हमें आगे, हमारी मेहनत। क्या लेके जाएगा बेटा? मेहनत। अगर आप देखते हैं, हम टीवी पे स्टार्स को देखते हैं, सचिन तेंदुलकर को देखते हैं, सहवाग को देखते हैं, उनको देखते अच्छा लगता है कि कितने अच्छे स्टार्स हैं, कितने अच्छे ये डिफेंसिंग करते हैं, कितने अच्छे। आई थिंक दैट मिस्टर सचिन द गॉड ऑफ द क्रिकेट, यू नो वेरी वेल। परंतु यदि उनकी हम बैकग्राउंड जानेंगे ना, उन्होंने कितनी मेहनत की इसके लिए, कितने आगे आए, और उनकी एक पूरे वर्ल्ड में छाने में और गॉड ऑफ द क्रिकेट एक नाम लेने में कितनी उनकी मेहनत थी, दिन रात प्रैक्टिस, नाइट प्रैक्टिस। और जब जैसे बच्चे आप ड्रिल कर रहे थे तो खुद मुझे देख करके बहुत ही अचंभा लग रहा कि छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं। तो आई होप यू आर वेरी हार्ड वर्कर, इट्स नॉट गुड, और एक दिन आप जरूर आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। इतनी बातें अच्छी बताई कि वो इसे देखकर और ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं। मैं आपको एक बात और कहूँ कि जो हार्ड वर्क है, चाहे हम कोई भी काम ले लें, किसी भी फील्ड का, चाहे छोटा सा छोटा, बड़े से बड़े काम क्यों ना हो, उसके पीछे हार्ड वर्क जरूर करना पड़ता है। अगर हार्ड वर्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और जो हार्ड वर्क मेहनत है वो किसी के बाप की नहीं है जो आप नहीं ले सकते या नहीं कर सकते, वो अपनी खुद की होती है। वो अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो वो खुद के लिए किया है, किसी के लिए नहीं किया, किसी के ऊपर आप एहसान नहीं कर रहे हार्ड वर्क करके। आपके पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ो या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उसमें अच्छा परफॉर्म करो, वो अपने लिए नहीं कह रहे, वो आपके लिए कहते हैं ताकि आगे जाके आपका फ्यूचर ब्राइट हो। तो हार्ड वर्क करना वो अपने दिल के अंदर होना चाहिए कि हमें पूरे पक्के मन से हार्ड वर्क करना है, और जो भी आपने फील्ड चूज किया है उसमें बेस्ट करके दिखाना है, अपना 100% देना है। तो मैं यहाँ पर चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, दोनों में कभी डिफरेंस नहीं किया जाता कि लड़के ज़्यादा करेंगे या लड़कियाँ कम, बल्कि इक्वली लड़कियों को थोड़ा आगे मानकर फिर मेहनत करवाई जाती है, और जो रिजल्ट है वो आपके सामने ही है। और यहाँ पर एक छोटे से सरदार जी जो हमारे बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हमारी एकेडमी के, हम उनसे जानेंगे कि उनके क्या व्यूज हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है सुपर फ्रॉम एबीसी स्पोर्ट्स। मैं बहुत ही आज ड्रिल हुई हमारे एकेडमी में और सर ने हमें सपोर्ट किया बहुत ही ज़्यादा, इसलिए हमें बहुत ही अच्छा लगा। आज ड्रिल कराई हमें बहुत ही अच्छा लगा, जैसे हमारे सेलेक्टर आए हैं हमारी एकेडमी में, अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा कराया। और ये भी यही कह रहे हैं कि इसने मेहनत की क्योंकि इसके पास एक ट्यूटर था, सिखाने वाले था। और आपके पास अगर कोई ट्यूटर नहीं भी है तो हमारे लिए आप यहाँ जरूर आ सकते हैं कुछ सीखने के लिए। और
और ठीक है, और अब जानते हैं जैस्मिन से। हेलो गाइस, मैं हूँ जैस्मिन एबीसी स्पोर्ट्स एकेडमी से। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आपने चाहे कोई भी फील्ड चूज किया है, आप उसमें अपना 100% जरूर दीजिए। जरूरी नहीं है कि हम स्टडीज ही कर सकते हैं, हम गेम्स भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें जरूरी है कि हमारा दिन रात एक करके मेहनत करना। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप जो भी फील्ड चूज कर रखी है आपने, उसमें अपना 100% जरूर दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। और ये तो आपको पता ही है कि कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी गेम हो, सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलता। उसके लिए आपके पास एक अच्छी डाइट, अच्छा फिटनेस प्लान, टाइम टेबल, सारा कुछ होना चाहिए। और इसी टाइम टेबल को, डाइट चार्ट को फॉलो कर कर ये सब बच्चे आपके सामने दिख रहे हैं कि कितने फिट, कितने हेल्दी हैं। और ये तो आपको पता ही, अगर हम किसी भी कॉमन बच्चे को उठा के ये ड्रिल करवाते, सिर्फ एक बार करवाते, तो वो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ वो चक्कर खा के जरूर गिरता। सर्दियों के मौसम है तब भी उसके साथ ऐसा होना था, बट इन बच्चों का हार्ड वर्क है और इनकी प्रॉपर डाइट है, इसीलिए इनके अंदर ये स्टैमिना है, ये जज्बा है ऐसी ड्रिल्स और इससे भी डिफिकल्ट ड्रिल्स करने का। और यहाँ पर नवरोज है जो बहुत ही अच्छी ड्रिल्स करते हैं और बाकियों को भी एडवाइस करते हैं, तो मेरे नवरोज भाई उनसे आज जानेंगे कि वो क्या करेंगे। हेलो गाइस, माय नेम इज नवरोज। आज हमारे एकेडमी में नेशनल सेलेक्टर आए हैं बेसबॉल के, एंड तो उन्होंने बहुत हमारी ड्रिल देखी है, हार्ड वर्क देखा हमारा, तो हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है। तो ये भी कह रहे हैं कि हम हमारी एकेडमी में जो सिलेक्टर्स आए हैं, हम उनका बहुत बहुत थैंक यू करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी हमारे हार्ड वर्क को देख के हमें अच्छा एक पॉजिटिव साइन दिया है कि आप बहुत अच्छा हार्ड वर्क कर रहे हो। तो मेरी आपको यही एडवाइस है, प्लीज़ कभी भी हार्ड वर्क से पीछे मत हटिए, हमेशा अपनी डाइट को प्रॉपर रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, और जो हम आपको बताते हैं उसमें उसके ऊपर फोकस कीजिए। इन द लास्ट लास्ट यस। और अब हम आपको कह रहे थे कि हमारी वीडियो शेयर करें, बट हमारे जो सिलेक्टर हैं वो चाहते हैं कि वो अपने व्यूज और आपके साथ शेयर करें, तो सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच, आई कम अगेन इन योर पोडियम। सो मैंने यहाँ पर आकर के देखा, मैं जो मैं बहुत सी एकेडमी में जाता रहता हूँ, जहाँ पर भी, क्योंकि मैं एक प्लेयर भी रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जो आस पास में चलते हैं गेम्स मोन में जाता रहता हूँ, तो मुझे मौका मिला, सुनहरी मौका यहाँ सुनील जी की एकेडमी में आने पर। मैं वो सुनील जी का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि जिन्होंने यहाँ पर इतने छोटे इस एटमोसफियर के अंदर इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को आगे तराशने का काम किया है। तो सो गाइस, जो भी इस मूवीज को एड को देख रहा है, तो आई सेलेक्ट यू फॉर दिस ऑप्शंस, और मैं चाहूँगा कि आपके नियर अबाउट जो भी हो इस ABC एकेडमी में एडमिशन दिलाएं, और जिससे आपके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो। नो वे, मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि वो भी एक दिन पर्दे पर आएंगे और आपको वेल विशेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच अगेन मिस्टर सुनील कुमार, द कोच ऑफ ABC क्रिकेट एकेडमी। थैंक यू वेरी मच ऑल। ये सारी मेहनत के पीछे कौन है, वो है हमारे कोच मिस्टर सुनील सैनी, द नेशनल कोच। और इसी के साथ हम आपको चाहेंगे आप हमारी एकेडमी में आए, जाने कि यहाँ पर कैसे हार्डवर्क होता है, एक बार खुद प्रैक्टिकली करके देखें और फिर इसके ऊपर और ज्यादा फोकस करें। सो थैंक यू गाइस आज के लिए, प्लीज शेयर आवर वीडियोस, लाइक, कमेंट एंड सपोर्ट ABC स्पोर्ट्स। थैंक यू।